बुलेटिन आरंभ करिबा एक बड़ खबर। गंजाम कोदला थाना अंतर्गत देरु बाहाबाड़ी सिहल साही रे विस्फोरण होती। सिहल साही दंडपाणी बेहरांक घरे विस्फोरण, ते विस्फोरण में सात जन गुरुतर आहत होती। समस्त आहत को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल भर्ती कर वर्तमान। जहां बड़ खबर आसी पहुंचुची जे गंजाम कोदला थाना अंतर्गत बेरुहाबाड़ी सिहल साही रे विस्फोरण घटी। सिहल साही दंडपाणी बेहरा घरे एक विस्फोरण हो विस्फोरण में सात जन गुरुतर आहत होती। समस्त आहत को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल चिकित्सा निम्ते भर्ती कर विस्फोरण प्रकृत कारण वर्तमान सुधा स्पष्ट होना किभली विस्फोरण घटला विस्फोरण पचर कारण कौन से नहीं कौन स्पष्ट सूचना ना कि वर्तमान जहां सूचना रही गंजाम कोदला थाना अंतर्गत बेरुहाबाड़ी सिहल साही विस्फोरण घटी। सिहल साही दंडपाणी बेहरा घरे विस्फोरण घटी। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई ब्रह्मपुर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा फोनलाइन अच्छा। कैलाश, घटना संपर्क में किसी स्पष्ट है? देखो बर्तमान पर्यटन स्पष्ट होनी कौन प्रकार बारूद हो पाए नचेत जहां बाण विस्फोरण हो पाए अथवा गैस इंजन विस्फोरण तेज बर्तमान पर्यटन कौन प्रकार से स्पष्ट सूचना मिल पाए ना। तेज कि समय पूर्व जहां कि कदला थाना अंतर्गत जो बेरुआबाड़ी जो सिंहल साई रही सिंहल साई से विस्फोरण घटला और विस्फोरण जो गोटे पर रही पर पखापाखि सात जन आहत होती सात जन पांच जन ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था बर्तमान अच्छा से मध्य बलराम बेहरा मिथुन बेहरा विष्णु बेहरा श्रीहरी बेहरा और त्रिपुरारी बेहरा बोली नाम जना पड़ी और आउ दुई जन जो आहत होते बर्तमान कदला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन अवस्था रही। तेज जो सिंहल साई दंडपाणी बेहरा रही है से दंडपाणी बेहरा घरे विस्फोरण होता बर्तमान सूचना मिली। तेज विस्फोरण कारण कौन और कौ सामग्री विस्फोरण होती बर्तमान पर्यटन स्पष्ट हो ना बेले कदला थाना पुलिस और खलीगढ़ थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचे तदंत आरंभ हो जो गुरुतर रही स्वास्थ्यावस्था स्थिर होगा पचराउचरा से जो स्थानीय बासिंदा पाखा पड़ोसी जो रही पचराउचरा निश्चित भाव में। तेज पुलिस घटनास्थल में पहुंची पारिपार्श्विक स्थिति कौन कहती वर्तमान पुलिस? देखो बर्तमान पर्यंत घटना को नहीं कौन प्रकार स्पष्ट सूचना मिल पार ना पुलिस पक्षर कारण बर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा जगेदे बर्तमान जरूरी हो पड़ी कारण जेहतु सात जन आहत होती सात जन को पांच जन को बर्तमान ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल को अणा जाए पांच जन स्वास्थ्यावस्था गुरुतर रही पाखापाखि पचास रु अधिक प्रतिशत शरीर अंश जहां जली पड़ जाए यह दृष्टि रखी किभली प्राथमिक चिकित्सा सेवा जगे दीजिए प्राथमिकता दिया जा स्वास्थ्यवस्था सामान्यतम स्थिर होगापर आ घटना को नहीं तदंत कर पुलिस पक्ष सूचना मिली। तेज जिते विस्फोरण घटी विस्फोरण पर साही पड़िसा लोक मैंने किसी प्रतिक्रिया देखते जो पर लोक मैंने आहत होती कौन बारूद संपर्क में किसी कम करुले कि बाण भिड़ा भिड़ी से भाई किसी कम करुले कि देखो बर्तमान पर्यटन स्थानीय बासिंदा मुह खोली ना कारण गोटे निर्दिष्ट एक पर घटना घटी बंद कठोरी भितर कौन चलता ता बर्तमान पर्यटन स्पष्ट होना जेहेतु गोटे पर चारिज भाई और दिज पुत्र जड़े संपर्क भाई पुरुष समस्ते सात जन आहत होती तेज से ही घरे कई महिला ना जितेबाला विस्फोरण होता और विस्फोरण शब्द एत जोर मात्र रही बेले जहां स्थानीय बासिंदा आसते जा से घर कबाड़ खुलते यह सहित जो घर भितर आहत अवस्था रही है खूब शीघ्र उद्धार कर संगे संगे प्रथम गदला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करमु पांच जन को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल को अणा जाता बेले दुई जन चिकित्सा रही गदला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र। तेज विस्फोरण को बर्तमान सुधा केते समय बीतीगला जो अंचल विस्फोरण होता से निया लगी कि केवल गोटे घर क्षतिग्रस्त हो आखपाख अंचल किसी घर भी क्षतिग्रस्त हो देखो निबे प्राय दुई घंटा पूर्व यह एक घटना होखापाखि जहां कि बारटू एगारटा तीस मिनिट समय घटना होती सूचना मिली। तेज गोटे घरे ही विस्फोरण घटी तेरे विस्फोरण होगापर अग कौन स्थान को अथवा पड़सा ओडा घर को विस्फोरण निपी ना सत कि घर भितर कौन चलता ता बर्तन पर्यटन स्पष्ट नहीं तेज पुलिस तदन पर ही संपूर्ण रूप स्पष्ट हम। तेज जो मैंने घटना आहत होती बयस सब के वर्ष हे देखो निहत आहत मैंने जो मान रही पाखापाखि प्राय तीस रु अधिक सब युवक अवस्था रही क्यों कारण को नहीं एभली बंद घर भितर काम करुले किए बाण भिड़ू ना बारूद करुले ना अगर कौन गैस सिलिंडर फाटी थे
ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୈଳାସ, ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ବେଳର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଚିକିତ୍ସା, 6 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ 6 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଗୁରୁତର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 7 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୈଳାସ, ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଅଛି? দেখুন নিহত যেতবে ঘটনা ঘটলে এবং স্থানীয় বাসিন্দা যেত উদ্ধার কার্যে লাগি পড়ুলে সেমধ্যে 7 জনক প্রথমে কদলা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে অনা যাই এবং সেখানে মধ্যে সে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা যোগাই দিয়ে যাই এবং সেখানে যে ডাক্তার রয়েছেন সে রেফর করলে যাকে ব্রহ্মপুর এমকিসিজিকে মেডিকাল কু যেহেতু পাখাপাখি 50 অধিক প্রতিশত সে শরীরে যাকে পড়ে যাই যা ফলে 5 জনক ব্রহ্মপুর এমকিসি মেডিকাল কু যাকে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমানে 5 জন যাকে এমকিসিজি মেডিকাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনেক কিছু জনা পড়ছে। 7 জন কোন কাম করুলে সে ঘরে রহুলে কেতে দিন রহুলে কিছু জনা পড়ছে? দেখুন স্থানীয় লোক মানে যে মানে মতব্যক্ত করছেন কেবল সূচনা হি দেইছন্তি মৌখিক ভাবে চাষ কামরে সেমানে লিপ্ত ছিলে কিন্তু সেমানে কোনসি প্রকার আজি সকালু কোনসি প্রকার কাজ লাগিছন্তি বন্ধ ঘর ভিতরে কোন করছিলে তা বর্তমান পর্যন্ত স্পষ্ট সূচনা দেই পার নাহান্তি স্থানীয় বাসিন্দা হউ অথবা অন্য কে লোক। তথাপি মধ্যে পুলিশর তদন্ত কেউ আড়কু যাচ্ছে এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পরে হি ঘটনা উপর পরদা হটি পারিব বলি যাকে আশা রাখা যাচ্ছে। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେରୁହା ବାଡ଼ିର ସିଂହଳ ସାହିରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ କିଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଲା ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଉଥିବା ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅନକନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଶାଳ ଡ୍ରମ୍ ସଦୃଶ ଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଙ୍କରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଭାସି ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଆସି ଲାଗିଛି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ଆସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଦିଗ ଜାହାଜ ବୋଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ତା ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଆମେ ଦେଖିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆଉ ବନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସି ତା'ର ବାରମ୍ବାର ଆସି ଲାଗୁଛି, ତା'ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଦେଖିକିରି, ଆଉ ବନ ବିଭାଗବାଲା ଆସି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ଟିକେ ଉଚିତ। ଆଉ ଇଏ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବନ ବିଭାଗ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏମିତି ପୁରୀଠୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିଠୁ ଦିଆଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଏ, ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ସିଙ୍ଗଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଚୋରି ହେବନି, ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ଥାନାକୁ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବନ ବିଭାଗ ଜଣେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇଛୁ। ଜୀବନ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଲେ ରାହୁଲ। 5 ଦିନ ଫସି ରହିବା ପରେ 60 ଫୁଟ ବୋରୱେଲ୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାମ୍ପା ଗାଁର 11 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଳକ ରାହୁଲ।
मंगलवार राति प्राय 11:56 राहुल को बोरवेल भितर बाहर को अणा जाता। राहुल को उद्धार करने पर तुरंत आंबुलांस जोगे निया बिलासपुर हॉस्पिटल। एबे हॉस्पिटल आईसीयू रे चली राहुल चिकित्सा। 100 घंटार अधिक समय धरी अक्लांत परिश्रम कर राहुल को 60 फुट बोरवेल भितर उद्धार करते एनडीआरएफ एसडीआरएफ और भारतीय सेनार जवान। जवान अपूर्व साहसिकता को सारा देश दे सावासी। वो गांव वाले जिन्होंने सहयोग किया है उनको सैल्यूट करता है, सलाम करता है पूरी। राहुल को शरीर और चर्म रे होई इन्फेक्शन एने इंद्रप्रस्थ आपोलो हॉस्पिटल डाक्तरों परामर्श नियाजाउछि। ऑपरेशन जिंदगी सफल होबा परे राहुल को बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल आईसीयू रे रखा जाइछि। तांकर चिकित्सा करथवा सीनियर कंसल्टेंट डाक्टर सुनील कुमार एने मेडिकल बुलेटिन जारी करिछन्ते। एजाबत राहुल केते रिपोर्ट आसी आहुरी एकाधिक रिपोर्ट आसीबार बाकी अछि। सेपरि आहुरी एक सप्ताह राहुल जत्न नेबार आवश्यकता अछि बोली डाक्टर कहिछन्ते। देखिए बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पर जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयां हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए मुश्किल है लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ पानी में? जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का मॉडरेट बोल सकते ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं ना वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं? कितने डॉक्टर्स की टीम? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं नहीं हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति ये बोल सकते अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है लेकिन दवाइयां का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछो। राष्ट्रपति निर्वाचन पर प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। आसंता जुलाई 18 तारीख में हेब राष्ट्रपति निर्वाचन, एथिपाई आज विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एने ओडिशा विधानसभा नोटिस बोर्ड में लगला विज्ञप्ति। राष्ट्रपति पदवी पर आज आरंभ हेब नामांकन दाखल प्रक्रिया। आसंता 29 तारीख पर्यंत नामांकन दाखल करा जिवो। जून 30 तारीख में प्रार्थीपत्र जांच करा जिवो। जुलाई 2 तारीख सुधा नामांकन प्रत्याहार करी हेब। जुलाई 18 हेब निर्वाचन एवं जुलाई 21 तारीख में भोट गणति करा जिवो। निर्वाचन पर ओडिशा विधानसभा परिसर में भी व्यवस्था होई। समस्त विधायक विधानसभा परिसर में होता भोट केन्द्र में निज निजर मतदान सब्यस्त करेंगे। सांसद मैंने चाहिए भी भोट देपारे। तेज रघुराम आय लगातार भाव में निजर प्रतिक्रिया रखुंट किभली व्यवस्था रही से निजर प्रतिक्रिया रखिंट। राष्ट्रपति निर्वाचन जो इलेक्शन कमिशन जो नोटिफिकेशन अच्छे से नोटिफिकेशन अनुसार आज पब्लिक नोटिसटा इश्यू होती है। से पब्लिक नोटिसटा आम नोटिस बोर्ड में और समस्त गणमाध्यम थ्रु में यहाँ रिपब्लिकेशन होती आज एवं आज नामांकन पत्र दाखल हम 28 तारीख पर्यंत। 30 तारीख में स्क्रुटिनी नॉमिनेशन रो स्क्रुटिनी निया जिवो। 2 तारीख पूर्व विथड्रॉल हो पार एवं राष्ट्रपति निर्वाचन जो इलेक्शन डेट पोल डेट से 18 जुलाई 21 जुलाई काउंटिंग हम नुआ दिल्ली।
राष्ट्रपति निर्वाचन पर अंटा भिड़िले विरोधी आज दिल्ली में अणबीजेपी मुख्यमंत्री बैठक अपराह दिल्लीर कन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होगाक बैठक में अध्यक्षता करेंगे ममता बानर्जी। आज बैठक में सामिल हे शरद पवार। तेज बैठक में मुख्य विरोधी कांग्रेस पक्ष वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रणदीप सूर्जेवाला और जयराम रमेश सामिल हे। तेज कांग्रेस व्यतीत बैठक में एनसीपी एसपी आरजेडी एनसी सीपीएम सीपीआई जेएमएम शिवसेना पीडीपी जेडीएस आरएलडी रो नेता माने जोग देबे हेले बीजेडी टीआरएस एवं आप एही बैठक रे जोग न देबाकू निष्पत्ति नेइथिबा जणा पडिछि। विरोधींकर प्रार्थी घोषणा परे दल किछि निष्पत्ति नेइ पारे बोली कहिछि आप। तबे मिलिथिबा सूचना अनुजाई शरद पवार विरोधींक पक्षरु राष्ट्रपति पद पई प्रार्थी हेबाकू मना करि देइछन्ति। आक्टिव पॉलिटिक्स रे से रहिबाकू चाहू नथिबा स्पष्ट करि देइछन्ति शरद पवार। सेपटे एनडीए प्रार्थी जितिबारे कष्टसाध्य नथिले भी किंतु सहज हेबो नाही। विरोधी और अण बीजेपी दलंक भोट प्रतिशत 51.1% थिबा बेले एनडीए पाखरे रहिछि 48.9% भोट। हेले जितिबा पई एनडीए को आउ 1.2% भोट आवश्यक। सेपटे बीजेडी पाखरे रहिछि प्राय 3% भोट। तेणु नवीन का आभिमुख्य उपरे रहिछि समस्तक नजर। एथिसहित टीआरएस एवं आप्रु एनडीए को समर्थन मिलबा संभावना रही। ब्रेक परे स्वागत। आज रज संक्रांति पूरपल्लीठ आरंभ कर सबुठ रज पर्व को बेस धूमधाम रे पालन करा जाउछि। दुई वर्ष पर एथर कोविड कटकणा कोहल होइथिबारु रज पालन उत्साह अधिक देखा मिलुछि। सालेपुर मध्य रज पर्व उत्साह देखा मिलुछि। सबुठ रज मौज चली समस्त रज पर्व को एवर्ष बहुत धूमधाम रे पालन करछन्ति। कारण गत दुई वर्ष धरिकी रज पर्व फिका पड़ जाइला। दुई वर्ष धरिकी कोरोना कटकणा थिला आउ कोहल हेबा परे एबे रज समस्ते पालुछन्ति। आउ आमे मध्य रज पालिबा पे आसी पहुँचीछु सालेपुर छाणीपुर रे। आउ एठी रजर धूमधाम रे रज को आयोजन करा जाउछि। आ दोळीर आसर जमिछि कहबी तो सुंदरी सुंदरी झील मैंने दोली खेलुंट ता सहित म्यूजिकल चेयर आयोजन बहुत प्रतिजोगिता आयोजन कर प्रतिक्रिया ना केम लगुच भल लगुच दु वर्ष कोविड हो ना ये वर्ष हो आरेजमेंट हो खाली दोली खेल ना म्यूजिकल चेयर ना खेली खेल कम लगुच आयोजन प्रत वर्ष हुए पंचम वर्ष प्रत वर्ष हुए दुई वर्ष हो ना कोविड सब वर्ष आस हाँ सब वर्ष आसे ये आम घर पाखे ना से आप कहे बहुत भल लगुच समस्त को देखिक बहुत भल लगुच आते आरेजमेंट हो तो बहुत खुशी लगुच बहुत भल भी लगुच बहुत टी बड़ बहुत एज वाला भी अच्छा तो कते अंकल मैंने भी अच्छा बहुत भल लगुच आहती आप देखिले ये आहरी झील मैंने अच्छा जो मैंने कि दोली खेलु दोली खेल एपर्यंत कमी मुझे समय ये दोली खेली दोली खेल जमा भी कमी आवल झील मैंने नुहत कुनि कुनि पुह मैंने भी दोली खेलु झील केमती लगुच बहुत मजा लगुच बहुत मजा लगुच कौ आस छाणीपुर गाँ घर पाखे सब वर्ष आस आज्ञा कौन केमती हुए कल भी पहली रज बहुत मजा होता मजा पिठा पणा किछ चकुली पिठा खाई निहती म्यूजिकल चेयर आयोजन कर म्यूजिकल चेयर जी देखा प्रत वर्ष विभिन्न प्रतिजोगिता आयोजन कर म्यूजिकल चेयर बर्तमान आयोजन हो झील कौन कह म्यूजिकल चेयर खेल हाँ थे खेली खेल खेल मजा लगुच फास्ट किए जीत फर्स्ट जन दीदी है सेकेंड आज जन थर्ड आज ओके खेल म्यूजिकल चेयर कमी लगे मजा लगला पिठा पणा कि खाइन कि म्यूजिकल चेयर खेल हो समस्ते बहुत खुशी रे म्यूजिकल चेयर खेल कह हाँ भल लगुच हाँ बहुत भल लगुच फर्स्ट टाइम खेलुची बालेश्वर आसमती लगे तो म्यूजिकल चेयर म्यूजिक आवश्यकता समय म्यूजिक
बाजुच देखु म्यूजिकल चेयर पाई सेकेंड टाइम पे से म्यूजिकल चेयर खेलु बहुत मजा लगुच समस्त को केवल म्यूजिकल चेयर नुहे केवल म्यूजिकल चेयर नुहे कबड्डी खेल आयोजन हाँ अनाउंसमेंट हो सारी किसी समय पर सहित दौड़ी चली पान आसिक रखा जा रज पान मजा आसी था रज रज पान बिना रज अधूरा से समस्ते रज पान खावा भी अपेक्षा करविन्न प्रकार पिठार आयोजन करध्या बेले विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करूची रही आज घोड़ा नाचर आयोजन कर म्यूजिकल चेयर पर समस्ते भिड़ जमेई केवल झील मानक अलाउड म्यूजिकल चेयर खेल आहत कबाडी खेल टिके समय आयोजन करोटे कथा जब देखा रज खेल समग्र ओडिशा चलचंचल हो जाए जिते रज आसे आवर्ष दुई वर्ष पर जेहे पुणी थे खेला रज पर्व समस्ते पालुंपाई एवर्ष उत्साह भी द्विगुणित सालीपुर छाणीपुर कैमेरा पर्सन संजय साह कुस्मिता सामल न्यूज 18 ओडिया। भुवनेश्वर पांथ निवास रे रज पई उत्सवमुखर रही माहौल दोली रु आरंभ करी सेल्फी जोन सबुठ राजधानीवासी गहली परिवार सहित आसीथिबा पिलामाने दोली और पिठापणार मजा नेवा सहित मनभरी सेल्फी नेउछन्ति। सेल्फी पई चारोटी सेल्फी जोन व्यवस्था करा जायछि। प्रवेश पथरे बिक्री हेउछि रज पान और पांथ निवास क्यांप्स रे बिक्री हेउछि भली कि भली पिठापणा। ओटीडीसी पक्षरु रज पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। भुवनेश्वर पांथ निवास जोठी रज उत्सव पूरा चलचंचल होती कारण आम कहीपर केवल भुवनेश्वर नुह भुवनेश्वर बाहर एठाक लोक आसी कारण जेहतु ओटीडीसी पक्षर ये पिठापणार आसर जमी थाए भेर प्रकार पिठा बिक्री होता है तेनाली लोक मैं पिठा कि रज पानी उपलब्ध होता है। आम आपको देखो गोटे सेल्फी जोन में अच्छा तेनाली जो थाती तेनाली ना कहीं सेल्फी नि फटो भी उठे था निज फैमिली सहित आसता मैडम आज जेहतु रज संक्रांति कौन कौन सब पिठापणार आसर जमी घर कौन आयोजन कराइला रजरे बहुत जेहेतु ये बहुत पुराणा आमर पर्व आपको आम बजाय रखापी घर मानक बहुत पिठापणा जमती कि आरिशा काकेरा पोड़पिठा तार स्पेशलीटी होती पोड़पिठा पोड़पिठा ना रज तो भल लगे तेणुक पोड़पिठा सहित इडली बरा एम सब करें समस्त फैमिली सहित बहुत मजा कर भल लगी रज को आज आम आई पांथ निवास को यही रज को सेलिब्रेट करने जोटा कि बहुत सारा दोली हो बहुत लोक चार आसमुखर लगे जगह भल लगे हाँ भल रज पी सब वर्ष तो रज रही हुए भल अच्छी अच्छा तार भाई रज गीत बुलाबे रज दोली कट मट मो भाई मुंडारे सुना मुकुट लो दिशु थाए झक झक बोल लो दिशु थाए झक झक मैंने गाँ को फिल कर पूरा गाँव रेश भाया लगुच समस्ते आसुच्च गीत भी बाजुच भल लगुच भुवनेश्वर टे अलग फिलिंगस आसूची मैंने गोटे जगार पूरा गाँव रिलिंगस आसूची पिठा सांग को दोली पिठा खाइबू ये दोली खेलू मैंने भुवनेश्वर ये आरेंजमेंटा बहुत भल लगुच घरे तो माँ पोड़ पिठा आउ चकुल पिठा इटली फिटली सब करी खुआई कहले जाओ एंजय कर दोली खेलु पान खाइलु इन सब सांग एंजय कर काली जाई थी एकाम आज पांथ निवास आसपे जीव आठिकी जो जगमरा हगमरा सांग मान सहित बुलाबूली करुँ जो मैंने अच्छा घर झील मैंने जो मैंने माँ मैंने भी छुआ मानक आठ रज दोली खेलते सेल्फी नौ पिठापणा आसन जमी पिठा अनेक किण की नहीं घर को जाऊँ भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन आशीषों सह सुमंत सुंदर राय न्यूज 18 ओडिया। रास्ता पलटि मरण जनता हाँ आज्ञा जीए जाऊँ रास्त सीए पड़ू एवं यह विजुआल न देखा पर्यटन आपत विश्वास करें विजुआल टी देखु रास्त जीए जाऊँ सीए पड़ू बाइक रे जाऊवा व्यक्ति माने टिके असावधानता होगला मात्रे रास्त पड़ जा कारण कौन किसी जमापड़ना
लोकों गमनागमन सुविधा पर निर्माण होती पिचु रास्ता हेले जेकोसी बाइक चालक एठाक आसुचार से पड़ जाऊँ बाइक स्लिप करुच्ची और घटनास्थल में बाइक चालक पड़ जाऊँ जड़े कि दुईज नुहंती एमती अनेक बाइक चालकों एपरी अवस्था केवल यहीठे ही गाड़ी दुर्घटना होता नुहे देखु कि गोटे गोटे गाड़ी स्लिप करुच्ची गोटे पर गोटे गाड़ी ता पचक माड़ भी हो जाए विभिन्न स्थान में एभली भाव में दुर्घटना घटुच्ची अंचल एभली कि गाड़ी उपरे गाड़ी भी चढ़ी जाऊँ केतेबेले जे बड़ दुर्घटना न होबो ताहा किए बा कहबो ए दृश्य हेउची गुजरातर बड़ोदा सहरर लोकंकर अभिजोग एठारे नुआ रास्ता निर्माण होइतिला आउ तापरे एभली अवस्था कुहा जाउची नुआ पिचुर किछि तेल अंश रहिछि किंबा कोनोसी त्रुटि रहिछि जहा फलरे एभली परिस्थिति सृष्टि होइछि स्थानीय प्रशासन एति प्रति दृष्टि देबाकू दाबी जोर धरिछि।